हेलो फ्रेंड, आज हम पहुंच चुके हैं झांसी शहर के रानी लक्ष्मीबाई के किले पर और यहां पर दिखा रहे हैं आपको ये सारा नज़ारा। देखिए हमारे पीछे किला दिखाई दे रहा है, इसके पूरे इतिहास से अभी आपको परिचित करवाते हैं, ले चलते हैं आपको इसी की ओर। ये काफ़ी पुरानी स्मृतियां हैं जो उस समय को दर्शाती हैं। ये देखिए झांसी की रानी तलवार लेते हुए अपने पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधे हुए कूदती हुई, और ये देखिए दुश्मन उन पर हमला कर रहे हैं। ये देखिए गुलाम गौस खान तोप बरसा रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से युद्ध का शंखनाद हो रहा है। ये देखिए भारतीय सैनिक ने अंग्रेज शासक का गला काट डाला अपनी तलवार से। ये देखिए हमारे तात्या टोपे जी ने अंग्रेज शासक को तलवार से प्रहार किया। वहाँ पर झांसी की रानी काफ़ी क्रोध में हैं और अंग्रेज शासक पर प्रहार कर रही हैं। ये देखिए ये पुरानी स्मृतियाँ हैं। ये देखिए ये दुश्मन ने हमारे भारतीय सैनिक के अंदर तलवार घोंप दी है जिससे वह घायल हो गया है। ये देखिए देखिए तलवार को अंदर कर दिया है जिससे वह घायल हो गया है और ये हाथ में भी चोट आई हुई है हमारे भारतीय सैनिक की। वहाँ पर देखिए अंग्रेज शासक तोप दागने का आदेश कर रहे हैं टोपची को। यहाँ पर देखिए हमारे तात्य टोपे जी अंग्रेज शासक से तलवारबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे महाराज युद्ध के लिए जा रहे हैं, उनका टीका किया जा रहा है। और ये देखिए लास्ट में यह अंग्रेज शासक को देशद्रोही दुलहाज राजा जनरल कैनिंग से रिश्वत लेते हुए ओरछा गेट पकड़ा गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए अंग्रेज तोप दागने का आदेश कर रहे हैं, ये उस समय की तलवार है। ये सारा व्यू आपको मैंने दिखाया है, कमेंट में बताएं कैसा लगा।